मदे हर। तो मित्रों, आज हम आपको अमरकंटक के एक और सुंदर स्थान, सुंदर जलप्रपात के बारे में बताते हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये शंभूधारा है। ये बराती करके एक स्थान है, बराती मोहल्ला। यहाँ नर्मदा जी की बारात रुकी थी, ऐसा कहते हैं, मान्यता है ऐसी। तो इस स्थान पर एक बरसाती पानी है, वो आता है और यहाँ एक करीब 100 फीट ऊंचाई से, 80 फीट ऊंचाई से गिरता है और एक सुंदर सा जलप्रपात बनाता है। इस जलप्रपात का नाम है शंभूधारा। भगवान शिव का एक नाम शंभुनाथ है, उन्हीं के नाम पर इस धारा का नाम शंभुनाथ है, शंभूधारा है। यही जल आगे जाता है और आगे जा कर के एक और अच्छा सुंदर प्रपात, यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर एक सुंदर जलप्रपात लक्ष्मण धारा का निर्माण करता है। तो ये पानी से दो जलप्रपात बनते हैं, एक शंभूधारा और एक आगे चल करके लक्ष्मण धारा। बड़ा सुंदर जलप्रपात है। आप अमरकंटक आएंगे तो आप जरूर इस स्थान को देखने आइए, क्योंकि बहुत सारे पर्यटकों को इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है और सीधे सीधे यहाँ पहुँच मार्ग भी नहीं है, थोड़ा सा पैदल चल करके आना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ नहीं आते। लेकिन जिन लोगों को इस जलप्रपात के बारे में जानकारी है, वो इसको देखने के लिए ज़रूर आते, क्योंकि बड़ा रमणीक मनोहारी दृश्य यहाँ उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है 80 फीट 100 फीट की ऊंचाई से जल के गिरने के कारण से। नमस्ते, नर्मदे हर।